मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को सातवीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज हम पाठ संख्या 17 इसका विस्तृत जो है अध्ययन कर रहे हैं। यह है एक एकांकी है जिसका शीर्षक है सिकंदर और पुरवा। ठीक है, सिकंदर को जो और एक नाम है जाना माना अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, तो उसे हिंदी में जो है सिकंदर ऐसे कहते हैं, जो पूरे विश्व को जीतना चाहता था। और यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है इस पाठ के अंतर्गत यही है कि इस पाठ से आपको ये सीख मिलती है कि कैसे हमारे देश के प्रति जो है देशभक्ति होनी है, वीरता कैसे होती है, और एकता में कैसे बल है, एकता को बनाए रखने की जरूरत क्यों है, और राष्ट्र प्रेम आपके मन में जो है जागृत करेगी। क्योंकि ऐसे महान सिकंदर जो है पूरे विश्व को जीत चुके थे। जब ये भारत आते हैं, यहाँ की राष्ट्र प्रेम और एकता को देखकर जो है वो हार जाते हैं, जीतते हुए भी हार जाते हैं। और पुरुरवा जो राजा हमारे भारत देश की जो एकता को बरकरार रखते हैं, देश प्रेम के बारे में बताते हैं, तो ये हार कर भी जीत जाते हैं। इस तरह यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी तरह से एकांकी जो है चल रही है। तो आपको पता है कि किस तरह है यहाँ पर शिविर जो है लगा हुआ है। वहाँ पर जब युद्ध होने के बाद सिकंदर जो है बैठकर, यानी अपने कुर्सी पर बैठकर जो है सभी राजा सभी जो है अपने सेनापतियों के बीच में जो है जीत का जश्न मनाते हैं। उसी समय वहां पर कौन प्रवेश करते हैं सेनापति के साथ, बंदी पुरु राजा। लेकिन जब ये राजा के सम्मुख आते हैं तब ये लड़खड़ाते नहीं, डरते नहीं हैं, और उनको कोई सलाम भी ठोकते नहीं हैं। ये कहते हैं कि मैं भारत वीर, ठीक है, अभिवादन करता हूँ, यानी आपको मैं प्रणाम करता हूँ भारत वीर। हारते हुए भी वे क्या कह रहे हैं, भारत वीर आपको मैं अभिवादन करता हूँ, ऐसे कहते हुए तब जो सिकंदर है बहुत ही आश्चर्य से, अरे हार कर भी आप भारत वीर मानते हो, ठीक है, इस तरह पूछते हैं, बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो पुरु राजा, ऐसे सिकंदर जो है कहते हैं। तो पुरु राजा कहता है कि उसे एक उन्होंने उदाहरण देते हैं कि सिंह भले ही वह वन में हो या पिंजरे में, उसे हम सिंह ही कहते हैं। उसी प्रकार मैं वीर हूं तो वीर ही कहलाऊंगा, भले ही मैं पराजय हो गया हूं, ऐसे वो बताते हैं। तो उसी बीच जो है व्यंग्य हंसी के रूप में जो अलेक्जेंडर जो है यानी सिकंदर जो है हंसते हुए कहता है कि क्यों पुरु राजा, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार कर क्यों किया, इसका तात्पर्य कारण क्या है, ऐसे पूछते हैं। तो पूछने के बाद पुरु राजा कहते हैं कि मैं अपनी राज्य की रक्षा स्वयं कर सकता हूँ, आत्मसम्मान की रक्षा करना भी मैं जानता हूँ, और तुम क्या करते हो, यानी आप मित्रता के द्वारा जो है भारत को तोड़ने की जो है एक आपने इस तोड़ कर जो है जीतने का प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे पता है। सिकंदर तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है, यानी उससे जो है यहाँ तक जो है ये जो कहानी, यानी जो हमने इस एकांकी को पढ़ रहे थे यहाँ तक हो गया था। देखिए, एक तो पुरु राजा कहता है कि मैं हमारी राज्य की मैं रक्षा कर सकता हूँ, आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत ही जो राजा महाराज होते हैं ये बहुत ही जरूरी होता है। और सिकंदर को ना केवल ये कहते हुए आगे कहता है कि तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो। उनका एक देखिए युद्ध करना, जैसे कि हथियारों को पकड़कर युद्ध करना, एक चालाकी से युद्ध करना, ये मित्रता द्वारा क्या करना चाहता था, आपसी झगड़े लगाकर जो है आपस में वैर पैदा कर भारत को जीतना चाहता था, ये जो है ऐसे पुरु राजा जो है सिकंदर को कहता है। तो सिकंदर आगे कहता है तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है, तुम्हारा जो वचन यानी जो आपने अभी कहा है
वो सत्य के विरुद्ध है, यानी ये सत्य नहीं है। यहाँ राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं। देखिए, किसी ने उनको कहा था कि यहाँ के राजा महाराजा जो हैं क्या हैं, आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे से विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, ये सभी सुनकर जो है वो ऐसे ही इनको क्या करने वाला था, ऐसे ही मित्रता के द्वारा दोनों के बीच झगड़ा लगाकर जो है ये जीतना चाहता था। तो लेकिन ये ना हो इसीलिए, रुकिए 2 मिनट, मैं यहाँ पर जो भी आएगा उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसको मैंने को-होस्ट बना दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आगे। तो यहाँ पर सिकंदर जो है ये सत्य के विरुद्ध है, आपके लोग जो है आपस में द्वेष करते हैं, यानी एक दूसरे से घृणा करना, ये किसके दिमाग में था, सिकंदर के। पहले से आप जो है झगड़ते हैं आपस में, लेकिन इस बात को हामी देते तो वो समझ जाता कि सही है, लेकिन पूर्व राजा ऐसे नहीं करता है, उसे एकता को बनाए रखना होता है। यदि आप देश छोड़कर दूसरे अन्य देश में जाते हैं तो आपका भारत देश कैसा ही भला ही कैसे ही हो, लेकिन आपको अच्छा ही कहना पड़ता है, और इसी से जो है आपका जो है भारत देश की जो है महानता को आप बरकरार रख सकते हैं। तो आगे पूर्व राजा कहता है इस बात पूरे बात सिकंदर के बात को सुनकर, यह आपका विचार होगा, यह आपका विचार होगा। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है, यमराज यवनराज। ठीक है, तो देखिए यहां पर कहते हैं कि यह आपका विचार है, आप ऐसे सोचते होंगे, लेकिन बाहरी शक्ति यानी जो सिकंदर जैसे आए हैं, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप यानी क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जो है हस्तक्षेप करना उतना सही नहीं है। यहाँ पर हस्तक्षेप का अर्थ होता है कि दूसरों के बात हो या किसी में टांग अड़ाना। ठीक है, ऐसे भी हस्तक्षेप उसे कहते हैं। तो हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और यह उद्गारवाचक में कहता है, यानी जोर से, यानी थोड़े जो है अच्छे आवाज में उनको यह असहनीय है, ऐसे आवाज थोड़ा ताव देते हुए कहता है, भारत की एकता सुदृढ़ है, सुदृढ़ यानी बहुत ही पक्की। ठीक है, मजबूत भी कह सकते हैं हम। ठीक है, सुदृढ़ यानी सबल मजबूत। ठीक है, इस तरह। तो देखिए आगे क्या होता है, तो यहाँ पर राजा ने क्या किया, पूर्व राजा ने जिसे वो जो बात कहा था, सिकंदर द्वेष करते हैं, उसे झूठ साबित कर रहा है और कह रहा है कि हमारा भारत जो है एकता का सुदृढ़ है। ठीक है, यानी मजबूत है सिकंदर, मतलब मेरी भारत विजय कठिन है। सिकंदर सोचने लगता है फिर से और प्रश्न पूर्व राजा को ही पूछता है कि मतलब मेरी भारत विजय कठिन है। तो पूर्व राजा कहता है, राजा कठिन ही नहीं, असंभव है, कठिन छोड़िए असंभव है, इसका संभव नहीं हो सकता, उसे असंभव कहते हैं सिकंदर क्रोध के साथ। देखिए अभी ऐसे कहने पर कोई जीत कर भी तो आप ऐसे हैं वैसे सुनते हैं क्या, नहीं, इसलिए क्रोध से कहते हैं, ए दंभी, दंभी का अर्थ होता है घमंडी या पाखंडी। ठीक है, ए रे दंभी, देखिए तब वह जोर से चिल्लाता है, रे दंभी, क्रोध से, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। ठीक है, वे विश्व को जीतना चाहते थे, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, तो आप इतना भी नहीं जानते हो कि आप अभी जो है किसके सम्मुख खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं, विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हैं।
तो यहाँ पर मित्रता आगे क्या होता है ये चित्र के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो देखिए राजा, तो ऐसे कहने पर जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य ही है यमन राजा, हम भारतीयों के लिए जननी जन्म भूमि च स्वर्गाधिपति गरीयसी। इसका अर्थ होता है जननी जन्म भूमि च स्वर्गाधिपति गरीयसी का अर्थ होता है जननी और जन्मभूमि, जननी ठीक है जो जन्म देती है और जन्मभूमि ठीक है ये क्या है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते हैं हमारे भारत भी ठीक है। जन्म जननी जन्मभूमि च स्वर्गाधिपति गरीयसी ठीक है, तो ऐसे कहता है सिकंदर। कुछ सोचकर ये बातें सब सुनकर जो है अभी उसे डर भी लगने लगा है और भारत को कैसे जीता जाए वो भी सोच सोच उसके दिमाग में अभी जो है उसके विचार में गिर गया है। कुछ सोचकर पुर राजा तुम हमारे बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इसके बाद जो है वो कुछ सोचकर कहता है कि तुम अभी हमारे बंदी हो, तो कोई भी बंदी हो कोई भी ऐसे जो है व्यक्तियों को उनका जो है अंतिम इच्छा हो या कैसा व्यवहार हो ऐसे पूछा जाता है। तो मैं आपके साथ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। राजा कहता है जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है वैसा ही मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए। तब सिकंदर बहुत खुश हो जाता है। पुर्रावा के वीर भाव से हर्षित होकर, पुर्रावा की जो वीर बोली है या उसके वाक्य हैं उससे प्रभावित होकर हर्षित होकर ठीक है वीर, देखिए उनके मुंह से भी जो है निकल जाता है कि ठीक है वीर निश्चय ही तुम वीर हो। देखिए किस तरह यदि आप सिकंदर के जो उसके दिमाग में था कि आप आपस में झगड़ते हैं द्वेष करते हैं वो सच है कहते तो वो और भी जो है बलिशाली होता, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम जो है एकजुट हैं और भारतीय के लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपति यानी जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी अधिक है ऐसे मानते हैं। ये सब बातें सुनकर है सिकंदर जो है हर्षित होता है और सच में तुम वीर हो, ठीक है वीर निश्चय ही तुम वीर हो, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि, धन्य ये जो आपकी भूमि है मातृभूमि है ये धन्य है। सेनापति को देखकर, सेनापति सिकंदर जो है सेनापति को देखते हुए कहता है कि सेनापति कहते हुए तो सेनापति कहता है सम्राट यानी आज्ञा पूछता है। तो सिकंदर कहता है वीर पुरराजा की बेड़ियां खोल दो, वीर पुरराजा आज से हम मित्र हैं। तो इस तरह जो है कहते हुए मित्र को आलिंगन, यहाँ पर देखिए सिकंदर पुरराजा का आलिंगन करता है, आलिंगन यानी गले लगाना ठीक है। तो इस तरह आलिंगन करते हुए दृश्य जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर यहाँ पर है देखिए ये आलिंगन करते समय जो है यहाँ पर एकांकी खत्म हो जाती है और यदि आप रंगमंच पर है तो वहां पर पर्दा गिरने लगता है यानी पर्दा जो है ढक लेता है पूरे स्टेज को। तो इस तरह एकांकी जो है ये यदि आप यहाँ पर होते तो इसे हम जो है यहाँ पर रंगमंच की तरह यहाँ पर इसे आप पात्र के अनुसार किया जा सकता था ठीक है। तो आप भी यदि दो तीन लोग हैं तो इसे आप जो है अपने घर में जो है इसे जो है एक बार प्रैक्टिस कीजिए ठीक है। बहुत ही अच्छा डायलॉग को जो है जो भी वाक्य है याद रखिए, पुर राजा बनिए सिकंदर बनिए सेनाधिपति बनिए, तो इससे आपको ये कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ठीक है। इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 17 इसका शीर्षक था सिकंदर और पुर्रवा का जो एकांकी के रूप में था उसे हमने विस्तृत अध्ययन किया। आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर 17 तक जो है जो भी पढ़ाया है वो सभी चैप्टर आ जाएंगे। अब मैंने जो है पोस्ट भी किया है वहां पर आप देख सकते हैं। और व्याकरण भाग के अंतर्गत आपके लिए उपसर्ग है लिंग है वचन है
और विलोम शब्द है इसे आप एक बार जो किताब को ठीक से पढ़ लीजिए तो पूरे जो है आपको क्वेश्चन आंसर हो या व्याकरण के जो भी प्रश्न होंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगले लाइव क्लास में हम फिर से नए अध्याय के साथ या व्याकरण भाग के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।